हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के कुछ केसेस आए हैं। अभी तक हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में डेंगू के 46 केसेस आए हैं, जिसमें से हमारे 11 केसेस हमारे म्यूनसिपल एरिया कठुआ से, इसके बाद 19 केसेस गोविंदसर एरिया से, इसके अलावा हमारे खरोट और हमारे नगरी के दूसरे रूरल एरिया से 11 केसेस, और 4 केसेस हीरानगर से और 1 केसेस बिलावर। टोटल 46 केसेस अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रिपोर्ट हुए हैं। मेरी सभी लोगों से ये अपील है, क्योंकि हमारा जो डेंगू का जो मच्छर है वो मेनली ब्रीड होता है स्टैग्नेंट वाटर में, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में और अपने घरों के आसपास स्टैग्नेंट वाटर को ना रहने दें। अपने घरों में आप कूलर की, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, कूलर अगर आप यूज़ करना बंद कर चुके हैं तो उसमें से पानी निकालिएगा। इसी तरह से टायर्स में या फिर गमलों में अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है, बरसात के बाद के मौसम में कई बार हमारे बर्तनों में या फिर जो है छत पर रखे हुए कुछ सामानों में पानी भरा होता है, तो आप उसको जल्द से जल्द साफ कीजिएगा। और अपने आसपास भी अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है तो उसको जो है वहाँ पर आप उसको भी साफ कीजिएगा। इसी के साथ जहाँ पर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर स्टैग्नेंट वाटर है और तो उसको आप थोड़ा सा डीजल डालकर वहाँ पर भी उसके ऊपर एक ऑयल फिल्म बनाकर उसको भी लार्वा की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। म्यूनसिपालिटी की तरफ से भी हमारे म्यूनसिपल एरियाज में जो है लार्ज स्केल पर इस समय फॉगिंग की जा रही है, बट क्योंकि डेंगू का मच्छर जो होता है वो ओपन एरिया के साथ साथ घरों में भी ब्रीड होता है, तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि आप सब भी जानते होंगे कि डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े अपने घरों में पहनकर रहें, अपने घरों में साफ सफाई रखें, और अगर आपको कोई भी हाई ग्रेड फीवर या फिर बॉडी एक क्योंकि डेंगू के लक्षण है, अगर कोई डेंगू के लक्षण आपको लगते हैं तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इस डेंगू के केसेस को रोकने के लिए जनता का सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपसे बताया कि डेंगू का जो मेन ग्रोथ होती है वो घरों में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, घरों के आसपास जो हमारा स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें ज़्यादा होती है, तो आप सब लोगों का सहयोग इसके प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।